हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लक्ष्मी बबीता किचन में। तो आज बनाने वाले हैं हम बर्गर। तो बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले बनानी पड़ेगी हमें टिक्की। तो टिक्की के लिए ये लिए है मैंने आधा किलो आलू। ये उबले हुए आलू हैं, इनको हमने कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। और ग्रेट करने के बाद अब इनको रखते हैं हम साइड में। और ये ले लिया है मैंने एक मिक्सिंग जार, इसमें हम चार पांच ब्रेडों को तोड़ के इसका एक ब्रेड क्रम्स बना के तैयार करेंगे। ये हमें रेसिपी में आगे काम आने वाले हैं। इस तरीके से पीस के ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। अब रख दिया है एक कढ़ाई गैस पे, उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच भर के ऑयल। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसमें डालेंगे एक बड़े साइज का प्याज जो बारीक कटा हुआ है। इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का हल्का इसे हमें भूनना है। बस इनका सब्जियों को हल्का सा ये पक जाए और इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, बस उतना हमें इन्हें फ्राई करना है। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ऊपर से डाल देंगे ये फ्रोजन मटर है, इसको भी डाल देंगे। और एक बारीक कसा हुआ हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर, इसको भी इसके साथ में भून लेंगे। इनको अच्छी तरह भूनेंगे जब तक इनका पूरा पानी रिलीज नहीं हो जाता है और थोड़ी गल ना जाए। ऊपर से डाल दिए थोड़ी सी हमने हरी मिर्ची, जिससे इसमें थोड़ा सा तीखापन आएगा। और इसको चलाते हुए एक दो मिनट तक अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भून लेंगे। गैस को कर दिया है बंद। अब देखिए ये जो हमारे आलू मैश किए थे इसमें मैंने ग्रेट किया हुआ पनीर डाल दिया है। ये मैंने 100 ग्राम पनीर इसमें डाला है। और पनीर को डाल के इसमें आप कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये डाल देंगे एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और ये एक चम्मच डालेंगे गरम मसाला, और एक चम्मच डालूंगी मैं चाट मसाला, और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। अब इसमें जो हमने सब्जियों को भुना था वो इसमें अब हम डाल देंगे। सारी सब्जियों को इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी ये टिक्की बन के तैयार होगी। अब ऊपर से डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालने के बाद इस सारे मिश्रण को मिक्स कर लेंगे हाथों से अच्छी तरह से, जिससे सारी चीज़ आपस में बाइंड हो जाए। और ये जो ब्रेड क्रम्स हमने बना के तैयार किया था इसको भी मिक्स कर देंगे। इसमें से थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो हमें बाद में रेसिपी में काम आने वाला है। अब हाथों को धो लिया है। धोने के बाद हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथों पर, जिससे ये जो मिक्सचर है हाथों में चिपके ना। और टिक्की की सहायता गोल गोल टिक्की के आकार का हम शेप देते हुए इन गोल गोल टिक्कियों को बना के तैयार कर लेंगे। और साइड से बिल्कुल क्रैक्स नहीं आने चाहिए, इस तरीके से घुमा घुमा के इस तरीके से हम टिक्की बना लेंगे। अब देखिए एक टिक्की हमारी बनके तैयार हो गई है। अब मैं दूसरी टिक्की भी इसी तरीके से बना रही हूँ, इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए। इसमें हमने सब्जियाँ डाली हैं तो थोड़े से क्रैक्स आएंगे, तो आप इसे सावधानी से हाथों के बीच में अच्छे से घुमाते हुए अच्छी चिकनी सी टिक्की बना के तैयार कर लें। अब टिक्कियाँ हमने सारी बना ली हैं, अब इसका एक घोल बनाएंगे हम, यानी कि स्लरी। ये मैं 2 चम्मच ले रही हूँ मैदा, और 1 चम्मच भर के ले रही हूँ मैं कॉर्नफ्लावर। और इसमें डालूंगी अब थोड़े से मसाले, जिससे कि ये स्पाइसी हो जाए। 1 चम्मच भर के डालेंगे मिर्च, ये कुटी हुई मिर्च है। और ये डालेंगे थोड़ा सा ओरिगेनो, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा एक स्लरी बना के तैयार कर लेंगे। और इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिक्स करना है। और इस तरीके का हमें पतला घोल बना के तैयार करना है, जिससे कि अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए हमारी टिक्कियों के ऊपर। और ये ब्रेड क्रम्स हैं, इनको भी एक प्लेट में कर लेंगे। अब देखिए ये हमारे बारीक ब्रेड क्रम्स बन के भी तैयार हैं, टिक्कियाँ भी हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। सलेरी लेंगे, उसको टिक्की को इसमें डिप करने से पहले इसको एक बार चला लेंगे, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला है तो वो नीचे बैठ जाता है। तो इसको घुमाने के बाद इसमें टिक्की को डिप करेंगे अच्छी तरह से। इसमें ज़्यादा देर तक टिक्की को नहीं रहने देंगे, नहीं तो वो टूट जाएगी। और ब्रेड क्रम्स में इसको लपेट देंगे अच्छी तरह से, ऊपर से कोटिंग कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है उसको हटा लेंगे, और हाथों से दबाते हुए बना के इस तरीके से तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी टिक्की लूँगी मैं, उसको भी इसी तरीके से डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है उसको निकाल देंगे, और हाथों से घुमाते हुए दबाते हुए दूसरी भी टिक्की तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारी टिक्की बना के तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है, और एक एक टिक्की करके हम ये सारी टिक्कियाँ इसमें डाल देंगे, जितनी इसमें
टिक्की आएंगी उतनी टिक्कियाँ हम इसमें सेक लेंगे। एक दो मिनट तक टिक्कियों को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही सिकने देंगे मीडियम आग पर। इसको ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएंगी टिक्कियाँ। और इस तरीके से हल्का सा पलट देंगे। फिर पलटने के बाद देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी ये टिक्की बनके तैयार हुई है। हमने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले थे तो ये काफ़ी क्रिस्पी हमारी बनके तैयार हुई है एकदम, देखिए कितनी बढ़िया। अब एक बना लेते हैं हम सॉस, क्योंकि बर्गर बनाने वाले हैं तो उसके लिए एक सॉस बनानी होगी हमें। ये लिया है मैंने, आपके पास टमाटो केचप हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने चिली सॉस लिया और लिया मेयोनीज, दोनों को मिक्स करके एक सॉस बना के तैयार की है। और ये देखिए ये हमारी सॉस बन के तैयार हो गई है, इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब ले रही हूँ मैं ये बर्गर, ये बर्गर हमने लिए हैं। बर्गर को भी एक तवे पर देसी घी या बटर डाल के दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे प्रेस करते हुए, जिससे ये हल्का क्रिस्पी सिक जाए और अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए। ब्रेड हमारे सिक के तैयार हो चुके हैं, अब दूसरा ब्रेड भी इसी तरीके से यानी कि बर्गर सेक लेंगे। अब बर्गर को बनाने की तैयारी करते हैं। ये हमने दोनों बर्गर ले लिए हैं, दोनों साइड से इनको अच्छी तरह से बर्गर बन सेक लिए हैं। और एक बर्गर का हमने वो ले लिया है स्लाइस, उस पर लगा रही हूँ मैं मेयोनीज। और मेयोनीज लगा के अच्छी तरह से हमने इस पर अप्लाई कर दिया है, जिससे कि बर्गर को खाने में अच्छा टेस्ट आए। और ये टिक्की देखिए काफ़ी क्रिस्पी हमारी ये बन के तैयार हुई है, एकदम क्रिस्पी टिक्की बनी है। और अब टिक्की को हम इसके बीचों बीच सेंटर में रख देते हैं। और ये ले रही हूँ ये मैं बंद गोभी का एक स्लाइस लिया है मैंने, इस पर भी मेयोनीज लगाएंगे जो हमने मतलब कि सॉस बना के तैयार की है, उसको अच्छी तरह से लगा लेंगे जिससे कि अच्छा टेस्ट आएगा बर्गर में। और एक प्याज का स्लाइस रखेंगे ऊपर से, और ऊपर से रखेंगे फिर दूसरा टमाटर का स्लाइस, और फिर वापस से इसके ऊपर हम वो जो हमने सॉस बना के तैयार की है वापस से इसके ऊपर सॉस लगा लेंगे, जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा। फिर से लगा लिए एक चम्मच भर के। और एक ये क्यूब्स वाली चीज़ है मेरे पास, आपके पास चीज़ स्लाइस हो तो आप वो भी लगा लें। फिर दूसरा पीस लिया है, उस पर भी मेयोनीज इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, पूरे पे लगा लेंगे। फिर अब लीजिए ये हमारा फटाफट से टेस्टी सा बर्गर बन के तैयार हो गया है, और वो भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान में बन के तैयार हुआ है। दूसरा भी बर्गर मैं इसी तरीके से तैयार करूँगी, इसके ऊपर भी ऐसे ही मेयोनीज लगा लिए जैसे सेम पहले वाले की बर्गर पर हमने लगाई थी, उसी तरीके से इस पर भी एक टिक्की रखेंगे और एक पत्ता गोभी का स्लाइस रखेंगे, उसके ऊपर मेयोनीज लगा लेंगे, ये मतलब कि सॉस लगा लेंगे। और फिर उसके ऊपर हम रखेंगे एक प्याज की स्लाइस और एक टमाटर की, उसी तरीके से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये बर्गर की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।